हेलो पेरेंट्स, हेलो मामीज, डियर मामीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चे जो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। पहले जो बच्चे होते थे वो इतना बीमार नहीं पड़ते थे और अब हम जो देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हर मॉमी, हर पेरेंट्स की यही दिक्कत है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें जिससे कि वो बार बार बीमार ना पड़े। तो ऐसा पहले क्या था और अब क्या था कि जिसकी वजह से बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसमें इतना बड़ा चेंजेस है कि पहले के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे फिजिकली, बट अब नहीं रह पाती हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आज की जनरेशन की बात करूं, जो मेरी जनरेशन है जिसमें जो मॉम है, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर पॉजिटिव रहते हैं और हम अपने बच्चे को जो बाहरी दुनिया है वहाँ से एक्सपोज़र नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा पहले बच्चे, जबकि मैं अपने चाइल्डहुड की बात बता रही हूँ कि हम बहुत खेलते थे, चाहे वो मिट्टी है, चाहे हमारे आसपास सराउंडिंग में तालाब होते थे, गार्डन होते थे, गलियों में खेल रहे, मिट्टी में बाग बगीचे हैं, हमने वो एक गोल्डन, हमारा जो बचपन था गोल्डन था, गोल्डन एरा था उस टाइम में। तो उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन पर्सनली जो मेरे टाइम में जो मॉमीज रही होंगी, जो पेरेंट्स रहे होंगे, उनका जो बचपन रहा होगा सेम मेरे जैसे ही रहा होगा कि हम हर तरीके से अपने आप को एक्सपोजर करते थे, हम फिजिकल एक्टिविटी में रहा करते थे, हम धूप में भी खूब खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, ताज़ी हवा में खेल रहे हैं, बाहर जो गार्डन है, बगीचे हैं, हमने बाहर जो विलेज लाइफ है वो भी देखी है, खेत खलिहान ये सारी चीज़ें हमने देखी, हम मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, जूते चप्पलों से भी खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, खेलते रहते थे इस तरीके से, कोई हमें मतलब रोक टोक करने वाला नहीं होता था। जो हमारा प्ले टाइम है वो हमें खेलना ही खेलना है। तो उससे क्या होता है कि हम बचपन से ही मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, हम उनके रूबरू होते हैं और कहीं ना कहीं जब हम उनके टच में रहते हैं हर तरीके से, तो वो हमारी जो इम्यूनिटी है स्टार्टिंग से ही उनसे नोन रहती है, परिचित रहती है। और वो जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे ऑर्गेनिज्म और बुरे ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें डिफरेंस करना आ जाता है और हमारी जो इम्यूनिटी है वहीं से स्ट्रॉन्ग बनती आती है। तो सेम ऐसे ही अब हम जो देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं एक चार दीवारी में ही कैद रहते हैं, या हम वीकेंड के बार पे कहीं बाहर चले जाते हैं, बच्चे को अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खिला लाते हैं, या कहीं बाहर झूले हैं स्विंग से वहाँ झूला लाए, खेल खिला लाए। हमें इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चे के साथ कहीं गार्डन जाएं, कहीं ऐसे एरिया में जाएं जहां बच्चे नेचुरल या जो प्रकृति है वहां से अपने आप को एक्सपोजर कर सकें, ठीक है। फिर बच्चे जब डायरेक्ट उन चीज़ों के टच में आते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनका जो बचपन है एक चार दीवारी के बीच में कैद कर दिया है, उनको जो धूप मिलनी चाहिए वो धूप नहीं मिल पाती है, ठीक है। आजकल के जो घर बन रहे हैं उनमें प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते धूप, पेरेंट्स को नहीं टाइम मिल पा रहा अपने बच्चे को देने के लिए। अगर हमारा बच्चा जरा सा मिट्टी में भी खेलने जाता है ना, तो हम उसको मना करते हैं, नहीं मिट्टी में नहीं खेलना, हाथ गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, खेलने दीजिए। हमारी देखो जो दुनिया है हमारे आसपास की, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही है, चारों तरफ आपको छोटे छोटे जीवाणु मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है या जब वो माउथिंग करता है तो हर चीज़ को वो मुंह में लेता है, कुछ भी चीज़, कपड़े लेगा, टॉयज लेगा, जो भी उसके सराउंडिंग में होगा वो मुँह में लेता है, तो इसका मतलब तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाना चाहिए। लेकिन बच्चे की जो माउथिंग होती है वो भी अच्छी चीज़ है, वो बच्चा रिकग्नाइज करता है कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है। जो माउथिंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और बचपन से जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो जो उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो उसको रिकग्नाइज करेगी और बच्चे को फिट रखेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को बाहरी दुनिया से एक्सपोजर होने दें। ये मैं सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें मॉमीज का कहना था कि मैम, जो मेरे घर में इन लॉज है मेरे बच्चे को बिल्कुल बाहर नहीं खेलने देते, गली में खेलने नहीं लेते, लग जाएगी, मिट्टी में खेलेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बाहर मत जाने दो, ये मत करने दो, इस तरीके के कमेंट थे। तो ये मैंने इसीलिए बनाई है ये वीडियो कि देखिए, आप इतना पॉजिटिव मत होइए। अगर बच्चा खेल रहा है मिट्टी में, खूब खेलने दीजिए उसको, अब पानी है आसपास, कहीं आपके घर में ही पानी है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि गंदे पानी में अपने बच्चे को खेलने दीजिए, मतलब पानी में खेलना है झप झप करने दीजिए, फर्श पे खेलना है खेलने दीजिए, बैठा है खेलने दीजिए, ठीक है। तभी तो बच्चे की जो अंदर की जो इम्यूनिटी है वो जान पाएगी कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और बुरे कौन से हैं। धीरे धीरे जब बच्चे की बॉडी बाहर से एक्सपोजर होगी तभी वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमें इतना पॉजिटिव नहीं होना, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे कितने वीक हो जाते हैं। जरा सा बाहर निकले बच्चे को छींक आ गई, जरा सा मिट्टी में गए या बाहर धूप में खेल लिए, जरा सा बाहर खेल के आ गए बच्चे थक गए, बच्चे टायर्ड हो गए बहुत ज़्यादा, उनमें इतना स्टैमिना नहीं रहता कि फिर वो दोबारा से खेल पाएँ, तो बहुत वीक और बहुत फटीग महसूस करते हैं। तो मेरी यहाँ पर बस इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि बच्चे को जितना हो सकता है नेचुरल जो हमारी प्रकृति है उससे एक्सपोजर होने दें, चाहे वो सन हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, खेलने दीजिए, फेस करने दीजिए हर चीज़ को, तभी वो धीरे धीरे सब चीज़ों के लिए मजबूत हो पाएंगे अंदर से, और जो वो बीमार पड़ते हैं वो भी कम पड़ पाएंगे। देखिए एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम मेरा बच्चा जो उसकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है वो हर चीज़ मुंह में डाल लेता है, बीमार पड़ जाएगा, मैम मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं देती, उसके आसपास में कुछ नहीं रखने देती हूँ, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। देखिए अगर आप माउथिंग नहीं करने देंगे, बच्चा कुछ च्युइंग नहीं करेगा, तो उसके जो गम्स में से जो टीथ निकलेंगे उसको निकलने में भी दिक्कत होगी। तो वो हेल्प करते हैं, बच्चा जब माउथिंग करता है अपने उंगलियों को, उसके गंदे हाथ नहीं होते, वो सबसे सेफ और क्लीन बच्चा होता है। अपने हाथ मुँह में डालना डालने दीजिए, कुछ भी उसके जो टॉयज हैं आसपास उनको स्टरलाइज करके रखिए, साफ रखिए, आप डेली उनको कर सकती हैं, लेकिन हर उतना आपको नहीं सोचना कि मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ये भी छीन लो वो भी छीन लो, कुछ मत दो बच्चे को, तो कैसे उसका विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए, बच्चे को करने दीजिए। तो ये वीडियो थी वो इसी मकसद के लिए थी, आपको समझाने के लिए कि अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसे बाहरी दुनिया से एक्सपोजर कराइए बचपन से ही, खेलने दीजिए, बहुत रोक टोक मत करिए, तभी तो वो फाइट कर पाएंगे, तभी तो वो जान पाएंगे कि किस तरीके से उनको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। तो आई होप माई डियर मॉमीज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ ऐसे ही जो आप अपना प्यार बनाए रखिए, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।